हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ रोशन अली अजीम, और आज का जो हमारा जो टूर है वो है किंजर झील। किंजर झील सिंध के शहर छत्रा के करीब वाक़ है, जो एक तारीखी झील है और पूरे कराची को ये सैराब करती है। किंजर झील में एक बड़ी अजीम इश्क की दास्तान भी है, नूरी और जाम तमाची। ये जो नूरी जाम तमाची की जो मज़ार है वो बिल्कुल झील के मरकज़ में है। तो झील समेत जितने भी वहाँ पे देखने लायक चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो मेरा तो आज दिल किया घूमने का, तो सोचा आपको भी ले चलते हैं किंजर झील। तो आएँ चलते हैं साथ। कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें दो चश्मे बह रहे, रेजा रेजा हो जाएं, फिर गुबार हो। अस्सलाम वालेकुम जी। हम किंजर पहुंच चुके हैं, और किंजर की तरफ जो हमारा रूट था वो हैदराबाद से था। हैदराबाद से हम ठट्टा का जो रोड है वो लेके किंजर तक पहुंचे हैं, और यहाँ जो है रास्ते में हमने एक गाइड जो है वो हायर किया है। ये हमारा गाइड है जिसका नाम हनीफ है, ये लोकल यहाँ का बंदा है। तो ये हमें डिफरेंट जो है मकामात जो है वो हमें सैर करा रहा है।
चलें आगे चलते हैं पानी की तरफ और आपको विजिट कराते हैं। ये मेरे पीछे जो है आप किंजर देख रहे हैं, किंजर झील बड़ी खूबसूरत है, खूबसूरत मनाज़र हैं, पूरे कराची को जो सैराब करता है और इसमें जो पानी है वो ब्लू किस्म का पानी है, समटाइम ब्लू नज़र आता है, समटाइम जो है ग्रीन नज़र आता है, इसमें दरिया सिंध का पानी है। आप बताएं कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको किंजर झील पर आते हुए? मैम बहुत अच्छा लगा यार, हम तो जब प्राइमरी में पढ़ते थे 5वीं जमाई में तब आए थे, उसके बाद नहीं आए, उसके बाद अभी पहली मरतब आए। मना तमाम अच्छा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है, हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, अच्छा निज़ाम करना चाहिए, जो दूर दराज इलाकों से आते हैं उनके लिए अच्छा निज़ाम होना चाहिए। नाज़रीन, नूरी की मज़ार तक हम नहीं जा सके क्योंकि यहाँ पर कुछ हालात ऐसे हैं कि बोट वाले जो हैं वो नूरी की मज़ार तक जो है अभी फ़िलहाल जाने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ अमवात हुई थी, उनके वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनको लगी हैं, इसलिए थोड़ा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी आप हम नहीं जा सकते हैं। तो हम एक और व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम नूरी की मज़ार तक जाएंगे कश्ती में आगे, तो वो एक और हम व्लॉग ज़रूर बनाएंगे, थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाए क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई है, तो लोग भी कम है और पानी भी किनारे तक भरा हुआ है, ये पानी अभी पीछे हटेगा और हम इंशाल्लाह आपको दोबारा और मज़ीद विज़िट कराएँगे। कश्तियाँ चल तो रही हैं लेकिन ये किनारे पे चल रही हैं, नूरी की मज़ार तक फ़िलहाल कोई नहीं जा रहा है, इनकार कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी आपको नूरी की मज़ार तक भी लेके जाएंगे।
ये हम देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत मनाजिर हैं, तो छोटे छोटे यहाँ पर जजीरे भी नज़र आते हैं, जैसे कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है। से जी बाहर से जितने भी सयाह आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनके रिहाइश के लिए कॉटेजेस का बंदोबस्त किया, जो पीछे आप देख रहे हैं उनकी जो है रिहाइश वो कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। बड़े लग्जरी यहाँ पे जो है कॉटेजेस बने हुए हैं, वो यहाँ पे वो आके तो अपनी फैमिली के साथ हायर कर सकते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई यहाँ पर मसला नहीं है, बिल्कुल पीसफुल ये एरिया है। आप आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ पूरे मुल्क से, यहाँ पर कोई इशू नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का। बड़ा अमन पसंद एरिया है, लोग आपको मोहब्बत देते हैं, बड़ा ही अच्छा एरिया है। तो यहाँ पर रिहाइश का भी बंदोबस्त है, आपको ये बताना था कि आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल झील के किनारे पर, झील के अंदर की तरफ ये एक रास्ता बना हुआ है, कि कुछ मखसूस किया हुआ है इन्होंने एरिया, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। झील के ऊपर ही आप हो सकते हैं, जो ये फ्लोट कर रही है, ये जो तख्तानुमा बना हुआ है। एक बिल्कुल खूबसूरत कश्ती मेरे पीछे नज़र आ रही है, आप भी देखें कितनी प्यारी बनी हुई है, ये फ्लोट करती है इधर झील में, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है ये। जो लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं
तो वो आ सकते हैं और खाने की भी उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नूरी रेस्टोरेंट नामी एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट भी मौजूद है। तो आप इसकी सहूलियात जो है वो हासिल कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छे और लजीज खाने हैं नूरी रेस्टोरेंट के, आप इसकी सहूलियत हासिल करें। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये हमारा जो ट्रिप है किंजर का पसंद आया होगा, और आप सबसे ये इल्तिमास है कि जिन लोगों ने भी हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है उस तक आपकी आसानी से रसाई मुमकिन हो सके। मैं रोशन अली अज़ीम आपसे ज़्यादा चाहता हूँ किसी सिंध के अगले किसी एक और शहर के विज़िट तक, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। और आज के इस विज़िट के हवाले से मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा ही खूबसूरत ये झील है और इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि इसको कितना बंदा रिकॉर्ड करे रिकॉर्ड करता हुआ ही जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है तो दैट्स वाई हमने कुछ ही हमने जो है सीनरीज मनाजिर रिकॉर्ड किए। और अफसोस ये रहा कि हम नूरी के मज़ार तक अंदर नहीं जा सके, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम से इंतज़ामिया और इन मच्छरों जो कश्ती वालों के दरमियान कुछ मामला थे इनके, बाकी तो कश्तियाँ चल रही हैं हल्के पानी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।